यस गुड इवनिंग। चलो सब सुन पा रहे हैं, जितना जी यूट्यूब पर आए सब सुन पा रहे हैं क्या? यस ओके। अब सुनो बेटा जी, लिसन टू मी। अब देखो बच्चों सुनो, कल का बेटा सुनो, पहले से सुनो, कल बेटा सीएमए का जो अपना चैप्टर पेंडिंग था, कल इतनी पीछे लाइट चली गई थी बेटा, चैप्टर पेंडिंग था बेटा जेट ना। अब कल के बेटा चार्टर ज्यादा ना बेटा जी, हार्डली एक 15 से बच्चों 20 का अपना पेंडिंग है बच्चों, ज्यादा पेंडिंग नहीं राइट ना। वो बच्चों पार्ट में एक दो तीन दिन में कभी भी मैं अलग से करा के दूंगा, चलेगा क्या बेटा? आज से बेटा मुझे एफएम का मैं नया टॉपिक शुरू करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में शुरू करना है, चलेगा बच्चों? आज से एक मिनट पहले यूट्यूब वाले सारे बच्चे आ गए, ओके चलो शुरू करते हैं बच्चों। आज से लेके बच्चों अपने को एफएम का ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमको पढ़ना है, जिसका नाम है कैपिटल बजेटिंग। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एफएम, ओके एकदम मस्त चैप्टर, मजा आएगा बेटे चैप्टर में, ओके बड़ा देखो अगले बेटा सुनो, अगले ऑलमोस्ट 5 दिन के लिए मैं चाहता हूँ, अगले ऑलमोस्ट 5 दिन के लिए आपको इस चैप्टर प्रॉपर डेली अच्छे से अटेंड करना है। इस चैप्टर का बेटा हर एक बेटा कॉन्सेप्ट मैं एकदम अच्छे से बताऊंगा राइट ना, उसे प्रॉपर आपको देखना है, और उसमें जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको डेली रिवाइज करना है, करेंगे पक्का। चैप्टर थोड़ा सा बच्चों डिफिकल्ट है, मुश्किल चैप्टर है ये, एफएम का वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है करियर पढ़ने के लिए। ये ट्राई करना बेटा, चलो बेटा चैप्टर बच्चे नाम क्या बच्चे देखो, कैपिटल बजेटिंग। अब ध्यान सुनिए क्या होता है, देखो आप सबको बताए एज अ फाइनेंशियल मैनेजर विल टेक 3 टाइप ऑफ डिसीजन, वन इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल डिसीजन, सेकंड इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड थर्ड इज कॉल्ड एज डिविडेंड डिसीजन। कितने बच्चे होते हैं? 3, कौन से होते हैं? फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। अब ये चैप्टर जो है कैपिटल बजेटिंग, ये बेसिकली बात करे चैप्टर जो है बेटा जी, ये बेसिकली बात करता है अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखिए यार हर बेटा कंपनी पैसा तो रेस करते है यार, हर बेटा कंपनी पैसा बच्चे करते है रेस करते है। जस्ट एक मिनट, एक मिनट है बस, चलो यार सुनो बच्चों, टाइम पास मैन पर मैं आपको बता रहा था, सुनो मैं आपको बता रहा था। देखिए यार हर बेटा कंपनी ना बच्चों पैसा बच्चों रेस करते हैं, अब कंपनी को डिसाइड कर, कंपनी बच्चों डिसाइड करना होता है कि पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी के पास मान लो बेटा कंपनी से 1 लाख रुपए, बच्चों से 1 लाख रुपए, कंपनी के पास 2 मशीन का ऑप्शन है, मशीन ए और मशीन बी। अब कंपनी कंफ्यूज है पैसा कहां पे इन्वेस्ट करे। अब बच्चों ये डिसीजन लेने के लिए बच्चों पैसा कहां पे इन्वेस्ट करे, ये डिसीजन बच्चों लेने के लिए कंपनी कुछ क्राइटेरिया अप्लाई करते है, तो पैसा कहां पे इन्वेस्ट करे उसके लिए क्या क्या बेटा क्राइटेरिया अप्लाई करना चाहिए, उस चैप्टर में पढ़े। चैप्टर बच्चों नाम क्या है? कैपिटल बजेटिंग। छोटे थीम समझे बेटा जी अपने को, बेसिकली पढ़ना क्या है, पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए उसका डिसीजन कैसे देना है। चैप्टर में कौन बताएगा? कैपिटल बजेटिंग बताएगा। क्या सुनो बेटा जी, ओके अब ध्यान देंगे। अब देखिए यार पर इस चैप्टर में ना आपको बेसिकली 2 टाइप के टेक्निक आपको दिए, सब नोट बनकर बेटा सुन, यहां पर ध्यान दे, कुछ जरूरत नहीं यहां पर ध्यान देना, नोट देखने बोला मैंने, ओके। अब देखो बच्चों यहां पर देखना बच्चों, इस चैप्टर में ना बेसिकली पैसा कहां पर इन्वेस्ट करे, पर इन्वेस्टमेंट के लिए यहां पे 2 टाइप के टेक्निक आपको दिए। सबसे पहला बच्चों दिया आपको ट्रेडिशनल टेक्निक, और दूसरा बच्चों दिया टाइम एडजस्टेड या फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। मतलब क्या? सबसे पहले ऐसा टेक्निक
जहां पे आप टाइम वैल्यू कंसिडर नहीं करोगे। ये क्या था मैं आगे बताऊंगा बच्चों, और उसके बाद जो ऐसे बड़े टेक्निक जहां पे टाइम वैल्यू कंसिडर करोगे। बता बच्चों कैपिटल बजेटिंग में जो मेथड आप पढ़ोगे, जो टेक्निक पढ़ोगे, टाइप कितने होते हैं? दो। पहला कौन है? ट्रेडिशनल। जब टाइम कंसिडर नहीं करोगे उससे हम लोग क्या होते हैं? नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक या फिर ट्रेडिशनल टेक्निक। दूसरा बच्चों कौन है? टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटेड टेक्निक। थोड़ा बहुत झेपा बेटा जी। अब सबसे पहले बच्चों बात करते हैं अबाउट ट्रेडिशनल टेक्निक। ट्रेडिशनल में अगेन दो टेक्निक है। पहला बच्चों कौन सा है? पे बैक पीरियड। सेकंड बच्चों कौन है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये सब हम डिस्कस करेंगे। बता बच्चों ट्रेडिशनल में कितने टेक्निक बच्चों? दो। पहला कौन है? पे बैक पीरियड। सेकंड कौन है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, शॉर्ट फॉर्म इज एआरआर। सोचो क्या होता है? एआरआर। सेकंड बच्चों कौन है? टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। टाइम एडजस्टेड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो बच्चों अगेन दो टेक्निक है। वन इज एनपीवी, नेट प्रेजेंट बच्चों, जो क्या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मतलब पीआई बोलते हैं उसको। नेक्स्ट बच्चों होता है आईआरआर, नेक्स्ट होता है मॉडिफाइड आईआरआर, फिर डिस्काउंटेड पेबैक और ईएबी इक्विवेलेंट एनालाइज बेनिफिट। इतने सारे मेथड है, इस सबकी हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर बजटिंग। ये चैप्टर बेसिकली क्या बता रहा है? पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले बेटा हम टेक्निक की बात, जिसका नाम है पे बैक पीरियड। जो पे बैक पीरियड नाम में लिखा है, पे बैक पीरियड, पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में, बात समझना। जब भी आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हो, जब भी बेटा कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपकी इच्छा क्या होती है? आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो पैसा जल्दी वापस मिलना चाहिए या लेट मिलना चाहिए? पक्का बेटा। तो इसका मतलब जो कोई भी बिजनेसमैन ऐसे प्रोजेक्ट में या ऐसे मशीन में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा, उसे पैसा कहां से क्या मिलेगा? जल्दी वापस मिलेगा। तो जितने समय में पैसा वापस मिलेगा, इट इज कॉल्ड एज पे बैक पीरियड। क्या बच्चों? पे बैक पीरियड। व्हाट इज अ पे बैक पीरियड? द टाइम इन विच मनी विल बी रिटर्न बैक। जितने समय में पैसा क्या मिलेगा? वापिस मिलेगा, उसे बोलते पे बैक पीरियड। थोड़ा बहुत झेपा के बेटा जी। अब बताओ मेरे पास 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करने, दो मशीन का ऑप्शन है। मशीन ए का पे बैक पीरियड 4 साल है, मशीन ए का पे बैक पीरियड 4 साल है, मशीन बी का पे बैक पीरियड 6 साल है। मशीन ए का पे बैक पीरियड 4 साल है और मशीन बी का 6 साल। बोलो कहां पे इन्वेस्ट करो, ए या बी में? अरे बी में। ए में क्यों? हाँ, अगर दोनों में 1,00,000 इन्वेस्ट किए, मशीन ए क्या बोलता है? 1,00,000 इन्वेस्ट करो, मैं 1,00,000 लौटाऊंगी 4 साल में। मशीन बी क्या बोलता है? 1,00,000 इन्वेस्ट करो, मैं 1 साल लौटाऊंगी 6 साल में। तो पैसा लेट मिलना अच्छी बात है या जल्दी मिलना? जहां से पैसा क्या मिलेगा? जल्दी। तो जितना बच्चों पेबैक क्या होगा? कम होगा, उतना क्या होगा? अच्छा रहेगा। बोलो हाँ या ना? क्या सभी से कंफर्टेबल है बच्चों? पक्का। तो दोबारा मुझे बताओ, अब पैसा बच्चों कहां पे इन्वेस्ट करोगे? जहां से पैसा क्या मिलेगा? जल्दी मिलेगा। कोई तकलीफ? सबको समझा? चलो शानदार। वापस बताओ क्या पढ़ रहे बेटा अभी हम लोग? पे बैक पीरियड। अभी पे बैक पीरियड, ठीक है बेटा। और इस पे बैक पीरियड कितने समय में पैसा क्या मिलेगा वापिस, उसे क्या बोलते? पे बैक पीरियड। सबको झेप रहा है? पे बैक पीरियड ज्यादा होना अच्छी बात है, कम होना अच्छी बात है? शानदार। अब बेटा अब हम देखेंगे इसका कैलकुलेशन, ध्यान सुना बच्चों। ओके बच्चों, ऐसा बच्चों कहा जाता है पे बैक को निकालने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? तो दो। पहला इन द केस ऑफ इवन कैश फ्लो और दूसरा इन द केस ऑफ अनइवन कैश फ्लो। नाला को दोबारा बताओ, पे बैक को निकालने के, खा कोई दिक्कत नहीं, चल दे चकना। ओके बेटा मुझे आता, बेटा मुझे आता, पे बैक का बच्चों कितने तरीके होते बच्चों? दो। पहला कौन सा? इन द केस ऑफ इवन कैश फ्लो। सेकंड बच्चों क्या आता है? अनइवन कैश फ्लो। सबको झेप रहा है? ठीक है। अब पहला इन कैसा? इवन कैश फ्लो। अब देखो इसका फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा, आपको दिख रहा है, मुझे पता है आपने दिख रहा है, अरे खुद ही बोल रहा बेटा, ठीक है ना। चल बेटा अब देखो, अब फॉर्मूला आप बनाएंगे, चलेगा? मान लो एकदम सिंपल है। मान लो बच्चों एक प्रोजेक्ट में, एक बड़ा प्रोजेक्ट में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया 1,00,000। कितना इन्वेस्ट किया? 1,00,000। 1,00,000 इन्वेस्ट किया।
उस बड़े प्रोजेक्ट से मुझे हर साल 25,000 मिलते, कितने मिलते बच्चों? 25,000। जितने हर साल मिलेंगे उसे हम लोग बोलते एनुअल कैश फ्लो, क्या बोलते बच्चों? एनुअल कैश फ्लो। ओके दोबारा मुझे बताओ कितना इन्वेस्ट किया बेटा? जितना इन्वेस्ट किए, इन्वेस्ट कितना किया बच्चों? 1,00,000। हर साल कितना मिलेगा? जितना हर साल मिलेगा उसे क्या बोलते हैं? एनुअल कैश फ्लो। दोबारा बताओ इन्वेस्ट कितना किया? 1,00,000 पक्का। हर साल कितना मिलेगा? 25,000। जितना हर साल मिलेगा उसे बोलते हैं एनुअल कैश फ्लो। अब मेरा सवाल है, जो 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए कितने साल वापस मिलेंगे? 4 साल में। किसे निकाला सर? हर साल मिलेगा 25,000। 25,000 पाने के लिए 1 साल। अरे सर 25,000 पाने के लिए 1 साल, तो 1,00,000 पाने कितने साल? 4 साल। जन्नत। सबको समझा? ये बेटा कौन है हमारा? पे बैक पीरियड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पे बैक पीरियड? जितने समय में पैसा क्या मिलेगा? वापिस। जितने से पैसा क्या मिलेगा? वापिस। 25,000 पाने के लिए 1 साल, 1,00,000 पाने के लिए 4 साल। कोई तकलीफ? अब सुनना, पे बैक पीरियड कितना निकाला? 4 साल। कैसे किया? 1,00,000 बाय 25,000 किया। 1,00,000 कौन था? तो शुरुआत में जो इन्वेस्ट किया उसे बोलते इनिशियल इन्वेस्टमेंट। 1,00,000 कौन है बेटा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और 25,000 क्या? हर साल जो पैसा मिलेगा एनुअल कैश फ्लो। तो कौन बताएगा व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर पे बैक पीरियड? इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो। क्या वही दिख रहा बच्चों फॉर्मूला? कोई मुश्किल है बेटा जी? पक्का इजी लगा मुश्किल लगा? एकदम सोपा है। बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पे बैक पीरियड? जितने समय में पैसा क्या मिलेगा? वापिस। उसे बोलते पे बैक पीरियड। फॉर्मूला क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो। क्या फॉर्मूला है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो। कोई तकलीफ? कोई क्वेरी बेटा जी? यस, मैंने बताया पे बैक को निकाल दो तरीके होते हैं। इस बड़े तरीके में हमने क्या बिलीव किया? हर साल सेम पैसा मिलेगा। पहले साल 25,000, सेकंड ईयर 25,000, थर्ड ईयर 25,000। जब हर साल इक्वल पैसा मिलता है इट इज कॉल्ड एज इवन कैश फ्लो। क्या बोलते हो? इवन कैश फ्लो। पर क्या जरूरी है क्या हर बार हर साल सेम पैसा मिलेगा? पहले साल 25,000 मिलेगा, सेकंड ईयर 20,000 मिल सकता है, थर्ड ईयर 40,000। तो हर साल का कैश फ्लो सेम हो सकता है क्या? अलग भी हो सकता है बेटा जी। अब हम डिस्कस करेंगे हर साल कैश फ्लो अगर अलग है, अगर अनइवन कैश फ्लो है, इन केस ऑफ अनइवन कैश फ्लो हाउ टू फाइंड पे बैक पीरियड। ओके मुझे लिख सकते बच्चों यहां पे एग्जांपल देखिए। देखिए आपके सामने बच्चों 3 एग्जांपल एकदम आराम से देखिए। एग्जांपल नंबर 1 देख रहे? एग्जांपल 1 बोलो, इनिशियल कितना इन्वेस्ट किया? 1,00,000। हर साल कितना मिल रहा है? 20,000। वो कौन है? एनुअल कैश फ्लो। हर साल इक्वल मिल रहा है अलग अलग? सम किसका? इवन कैश फ्लो अनइवन। इनकेस ऑफ इवन कैश फ्लो क्या फॉर्मूला है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो। क्या फॉर्मूला है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो। इन्वेस्ट कितना किया? 1,00,000 अपॉन एनुअल कैश फ्लो 20,000। कितना आएगा? 5 साल। झेप रहा है? कोई तकलीफ? नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल में इनिशियली इन्वेस्ट कितना किया? 90,000। पक्का? हर साल कितना मिलेगा? 17,000। आपको निकालना क्या? पे बैक पीरियड। क्या फॉर्मूला है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो। कितना रहा बच्चों? 5.20 ईयर। मतलब हर सॉरी 5.20 ईयर पैसा क्या मिलेगा? वापिस मिलेगा। सुपर है, एकदम इजी बेटा जी। यस, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब जरा एग्जाम्पल 3 को सब बच्चे अच्छे से देखेंगे। पढ़ा? कुछ क्लिक हो रहा है? बोलो बच्चों, इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया? इन्वेस्ट कितना किया बच्चों? 1,00,000 इन्वेस्ट किया। हर साल कुछ पैसा मिल रहा है? बोलो फर्स्ट ईयर कितना मिल रहा है? 10,000। सेकंड ईयर 30,000। थर्ड ईयर 4th ईयर 40,000। 5th ईयर 20,000। 6th ईयर हर साल पैसा सेम मिल रहा अलग मिल रहा? सम किसका? इवन कैश फ्लो या अनइवन? अनइवन कैश फ्लो। मुझे निकालना है क्या? पे बैक पीरियड। अपने कल से बड़ा बंद करेंगे, एकदम पूरा ध्यान देंगे कैसे करना चाहिए। अब ये थोड़ा सा अलग है,
मैट्रिक सुनना, कितना इन्वेस्ट किया है, हमारा एम समझना, हमारा एम क्या है। हमने 1 लाख इन्वेस्ट किए थे, कितने समय में 1 लाख क्या मिलेंगे वापिस, कितने समय में 1 लाख क्या मिलेंगे वापिस, ढूंढना हमारा एम है। ओके, अब देखो बच्चों, सम किसका है, इवन कैश फ्लो अनइवन, मेरी बात याद रखना। जब भी सम आता है अनइवन कैश फ्लो का, जब भी सम आता है अनइवन कैश फ्लो का, पेबैक को निकालने के लिए हम बनाएंगे 3 कॉलम। कितने बनाएंगे? 3 कॉलम। कितने बच्चों? 3। वो 3 कॉलम होते ईयर, कैश फ्लो और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। बोलो, इन केस अनइवन कैश फ्लो, जब भी निकाला पेबैक पीरियड, पेबैक के लिए कितने कॉलम बनाएंगे? 3। कौन कौन से? ईयर, कैश फ्लो और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। जितने बच्चे बेटा ऑनलाइन बेटा जी, सब बेटे बच्चे, सब बच्चे बता के यहाँ पे रिप्लाई करेंगे। पक्का सब सुन पा रहे मेरी बात बेटा जी? पक्का। कितने बच्चे कैश फ्लो होते हैं? 100। कॉलम कितने बनाएंगे? 3। कौन कौन से? ईयर, कैश फ्लो और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। जितना बच्चों रिस्पॉन्स दोगे उतना अच्छे से आपको समझेगा, चलेगा? यस। अब बेटा बनाऊंगा मैं 3 कॉलम, सॉरी ईयर, पहले ईयर, कैश फ्लो और क्या बेटा जी? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। पहले ईयर, बच्चों ईयर क्या दिया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखना क्या बच्चों? कैश फ्लो। पता बच्चों पहले साल में कितना कैश मिला? 10,000, फिर 30,000, फिर 20,000, फिर 40, फिर ये सब दिया। अब देखो बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव कैश फ्लो? क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? फर्स्ट ईयर तक कितना कैश मिला है, सेकंड ईयर तक कितना कैश मिला है, थर्ड ईयर तक कितना कैश मिला है, वो सब दे क्यूमुलेटिव। पक्का? बोर्ड पे देखो, सेकंड ईयर में कितना कैश मिला है, सेकंड ईयर में कितना मिला है? 30,000। सेकंड सवाल, सेकंड ईयर तक कितना मिला है? 40। कैसे बताया? मैंने क्या पूछा? सेकंड ईयर तक कितना मिला है, फर्स्ट में कितना मिला है? 10। सेकंड में 30, फर्स्ट में 10, सेकंड में 30, तो सेकंड ईयर तक कितना मिला है? 40,000। पक्का? थर्ड ईयर तक कितना मिला है? फर्स्ट ईयर में 10, सेकंड ईयर में 30, थर्ड ईयर में 20, तो सेकंड ईयर तक कितना मिला है, सॉरी थर्ड ईयर तक कितना मिला है? 60,000। चिपा बेटा जी? पक्का। तो हर साल के एंड तक जितना मिला है वो बेटा कौन है? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। चिपता का बेटा जी? पक्का। बोलो, फर्स्ट ईयर तक कितना मिला है? 10,000। सेकंड ईयर तक कैसे किया? 10 + 30 = 40। फिर थर्ड ईयर तक 60, फिर पक्का फोर्थ ईयर तक 1 लाख मिला क्या बच्चों? फिफ्थ ईयर तक 1,20,000, सिक्स ईयर तक 1,25,000। कोई तकलीफ? ओके, आपका ध्यान चेक कर रहा बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप, ठीक है ना? संगे ध्यान ना लगता रहा। ओके सुनो बेटा, अब सुनो बच्चे, काम करो बेटा जी, इससे बड़े क्यूमुलेटिव को निकालने की ट्रिक पता चला बेटा जी? देखो, अगर आपको निकाला क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, कीप द फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, कीप द फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, टॉप टू बॉटम करो क्रॉस हेड। बच्चे क्या करेंगे? क्रॉस हेड। कीप द फर्स्ट वैल्यू, बोलो ना, एज इट इज, टॉप टू बॉटम क्रॉस हेड, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, कौन है? 10,000, एज इट इज। अब टॉप टू बॉटम क्या करेंगे? क्रॉस हेड, 10 + 30 = 40। अपना क्रॉस ऐड करने का, 10 + 30 = 40, 40 + 20 = 60, 60 + 40 = 1,00,000, 1,20,000 + 20 = 25,000, 1,45,000। जेब रहा क्या? नहीं समझा? ये क्या निकाला? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यों निकाला? बहुत भारी बेटा, कट, एकदम होशियार में आंसर दिया तूने एकदम, ठीक है बेटा? ओके, इसीलिए मैं आगे का बोल नहीं सकता बेटा यूट्यूब पे इसके लिए, ठीक है ना? तो समझ जा, ठीक है बेटा? हाँ चलो, सुन बेटा, विधान दो, कुछ नहीं, हर एक में हर जब कुछ एबिलिटी होती है, तेरे में एबिलिटी है। ओके बेटा, कितना इन्वेस्ट किया बच्चों? देखो, इन्वेस्ट बेटा 1 लाख किया, बात समझ आप। पेबैक का मतलब क्या है? कितने समय में 1 लाख क्या मिलेगा वापस, कितने समय में 1 लाख क्या मिलेगा वापस। इन्वेस्ट कितना किया बच्चों?
1 लाख हमें तलाश है उस साल के, हमें तलाश है उस साल की जब 1 लाख मिलेंगे, ठीक है बेटा। अब डायग्राम में देखो बच्चों, रुकना ना लाइक मैं तलाश कर रहा ना, इसलिए नहीं करने का। ओके बेटा, हमें कितने चाहिए बच्चों, 1 लाख चाहिए बेटा जी, वापिस चाहिए, ठीक है। अब बताओ फर्स्ट ईयर तक कितना मिला है, 10 हजार, 1 लाख मिला है। सेकंड ईयर तक कितना मिला है, 40 हजार, अरे 1 लाख मिला है क्या। थर्ड ईयर तक 60 में कितना मिला है, 60, 1 लाख मिला है क्या, नहीं। फोर्थ ईयर तक कितना मिला है, 1 लाख, 1 लाख मिला क्या, पक्का, क्या बात है, जन्नत। तो क्या नाई से हमें 1 लाख बेटा कब मिलेंगे, चौथे साल में, पक्का बेटा। तो क्या नाई से फोर्थ ईयर तक मुझे 1 लाख मिल गया, तो जितने समय तक 1 लाख मिल गया वो कौन है, पे बैक पीरियड। कितने समय मिलेगा बच्चों, 4 साल, तो 4 साल मेरा कौन है, पे बैक पीरियड। इजी लगा या मुश्किल लगा, रुक जाओ टाइम पास बहुत हो गया, अभी और डिफिकल्ट पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। ओके बच्चों, पढ़ रहे पे बैक पीरियड, जितने समय में पैसा क्या मिलेगा वापिस, उसे बोलते हैं पे बैक पीरियड। पे बैक को निकालने में कितने तरीके होते हैं, इन द केस ऑफ इवन कैश फ्लो और इन केस ऑफ अनइवन कैश फ्लो। बोलो बच्चों, इन केस ऑफ इवन कैश फ्लो पे बैक का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो, और इन केस ऑफ अनइवन कैश फ्लो पे बैक के लिए क्या बनाएंगे, तीन, कितने बच्चों बनाएंगे, 3 कॉलम, कौन कौन से, ईयर कैश फ्लो और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, क्या ईयर कैश फ्लो और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, कोई तकलीफ। अब इसके ऊपर और एक क्वेश्चन देखिए, पूरा समझेगा। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 4, बस यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये सब ड्रॉ किया, इसको रब करता हूं मैं, चलो क्वेश्चन 4 को पढ़े प्लीज। अबे सम को ना लाइक, सम को देखो, बोलो बच्चों इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया था, डेढ़, कितना इन्वेस्ट किया बच्चों, 1.5 लाख इन्वेस्ट किया। मुझे निकालना क्या, पे बैक पीरियड, देखना क्या कितने समय में पैसा क्या मिलेगा वापस। बड़ा समय 7 साल का बच्चों कैश फ्लो दिया, मुझे निकालना क्या, पे बैक पीरियड। सम किस का, इवन या अनइवन, अनइवन के समय कितने कॉलम बनाएंगे, 3, कौन कौन से, ईयर कैश फ्लो और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। ईयर दिया है, कैश फ्लो दिया है, मुझे बनाना है क्या, क्यूमुलेटिव, ट्राई करूं, मैं करता क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। अब बताओ बच्चों क्यूमुलेटिव बच्चों कैश फ्लो के लिए शुरू कहां से करेंगे, शुरू कैसे करेंगे, टॉप से, कीप द फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, टॉप टू बॉटम क्रॉस सेट, कीप द फर्स्ट वैल्यू टॉप टू बॉटम, कीप द फर्स्ट वैल्यू एज इट इज टॉप टू बॉटम क्रॉस सेट, 20 + 40 60, 60 + 30 90, 90 + 40 31, 1 + 70 2 लाख, 2 + 50 2 50 + 10 260,000। अरे सबको झेपरा करना लायक, ओके ओके ये बेटा क्या बनाया बेटा आपने, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, ठीक है सब कंफर्टेबल है, ओके कितना इन्वेस्ट किया था, 1.5 लाख। अब हमें तलाश है उस साल के, किसकी, उस साल के, हमें तलाश है उस साल की जब कितना मिलेगा, 1.5 लाख क्या मिलेगा वापिस, चलो 1.5 लाख ढूंढने चलते हैं, ठीक है सब मेरे साथ है बेटा जी, ओके ढूंढने कितने बच्चे हो, 1.5 लाख। अब चले बेटे फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट तक कितने मिले, 20 हजार, 1.5 लाख मिले, सेकंड कितने मिले, 60 हजार, सेकंड ईयर तक कितने मिले, 60 हजार, 1.5 लाख मिले, थर्ड ईयर तक कितने मिले गए, 90 हजार, 1.5 लाख मिले क्या, और आगे जाते हैं, फोर्थ ईयर तक कितने मिले, 1,30,000, 1.5 लाख मिले क्या, नहीं, और आगे चलते हैं, फिफ्थ ईयर तक कितने मिले, 2 लाख, 1.5 लाख मिले क्या, अभी मिले थोड़ा पहले मिल गए तो आगे निकला है तो पीछे आना था, पक्का, देखो अभी क्या आप लफड़ा क्या हो रहा है, मुझे बताओ फोर्थ ईयर तक कितना मिला है,
130,000 फिफ्थ ईयर तक कितना मिल रहा है? 200,000 पक्का। पिछले समय 100,000 एग्जैक्टली फोर्थ ईयर में मिले थे, फोर्थ ईयर तक एग्जाम में 1,00,000 मिला था। पर अभी दिक्कत क्या है, हमें वापिस शेयर है 150,000, किसी बच्चे थे 150,000। दिक्कत क्या है, फोर्थ ईयर तक 130,000 मिल रहे हैं, फिफ्थ ईयर तक 200,000 मिल रहे हैं, हमें तलाश थी 150,000 की। तो क्या नाई से ये 150,000 बच्चों कहीं ना कहीं फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर के बीच में मिले? नहीं समझा? क्या नाई से बच्चों ये 150,000 बच्चों कहीं ना के बच्चों क्या फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर के बीच में मिले? बोला हाँ या ना? अरे कल तय का पक्का बेटा जी, मुझे चाहिए क्या, कितने समय में 150,000 क्या मिलेगा वापिस? बच्चों 150,000 क्या है फोर्थ और फिफ्थ ईयर के बीच में कहीं पे मिला है, बट एग्जैक्टली कब, 4.1 ईयर में या 4.2 ईयर में या 4.3 में? अब हम डिस्कस करेंगे, अगर पे बैक पीरियड 2 साल के बीच में होगा तो कैलकुलेशन कैसे करते। मैं पहले बता रहा हूं कैलसी बन तट्टा बड़े कलेक्शन बेटा जी। अब यहां पे जो तरीका बच्चों अपनाऊंगा, दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल अप्रोच। क्या बोलते बच्चों? इंक्रीमेंटल अप्रोच बोलते हैं। प्लीज फोकस करेंगे सब लोग जो बताने जा रहा हूं। क्या निकाला है पे बैक पीरियड, कितने इन्वेस्ट किए थे? 150,000। फोर्थ ईयर तक कितने मिले? 130,000। फिफ्थ ईयर तक 200,000। हमें चाहिए कितना बच्चों? 150,000। अब सुनो बच्चों, उसके लिए काम करते हैं, मैं 2 कॉलम बनाता हूं, चेंज इन ईयर एंड चेंज इन कैश फ्लो। मतलब हो सकता है कि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा मतलब फर्स्ट सम के टाइम पे तकलीफ आएगी, डर लगेगा, पर डरने का नहीं है। प्लीज सबके बच्चों मैं और एक जब क्वेश्चन करके बताऊंगा तो सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में उतर जाएगा, चलेगा बच्चों? बट प्लीज हैव पेशेंस। 2 कॉलम बनाए, चेंज इन ईयर और चेंज इन कैश फ्लो। यार मुझे बताओ पहले कितने साल थे? 4 साल। अब कितने? 5। पहले थे कितने? 4। अब कितने? अब नोटिस करो, जब आपका ईयर हो गया 4 का 5, तो ईयर क्या होगा? 4 का 5। जब ईयर में 1 साल का बदलाव आया, ईयर 4 का बच्चों क्या हो गया? 5। तो कैश फ्लो कहां का कहां तक पहुंच गया? 130,000 का पहुंच गया 200,000। कितना फर्क है बच्चों? 70,000। तो क्या नाई से 4 से लेकर 5 मतलब 1 साल में कैश में 70,000 का बदलाव आया। अरे फोर्थ तक कैश कितना मिला था? 130,000। फिफ्थ में कितना मिल गया? 200,000। कितने का बदलाव आ गया? 200,000 माइनस 130 कितना? 70,000। कितने समय में? 1 साल में। फोर्थ ईयर तक 130,000 मिले थे, फोर्थ 130,000 मिले थे, 130,000 के बाद और 70,000 पाने के लिए 1 साल लगा, सही है क्या? लेकिन यार मुझे 130 से 200,000 तक जाना था या 150,000 तक? मुझे जाना था 150,000 तक, 130 से जाना था मुझे 150,000 तक। अरे झेपता है का बच्चों, 130 से 150,000 में तो कितना आएगा? 20,000। बोलो हाँ या ना? तो क्या नाई से 70,000 से कैश बढ़ने के लिए, अरे 70,000 से कैश बढ़ने के लिए अगर 1 साल लगता है तो 20,000 से कैश बढ़ने के लिए कितना समय लगेगा? नहीं समझा बेटा? दोबारा बता रहा हूं, 130 का 200,000 मतलब कैश में 70,000 का बदलाव आने के लिए अगर 1 साल का समय लगता है तो 130 का 150,000 मतलब 20,000 का बदलाव आने के लिए कितना समय लगेगा? अगर पूरे बदलाव के लिए अगर 1 साल लगता है तो 20,000 के बदलाव के लिए कितना समय लगेगा? कितना? कैसे करें बेटा जी? क्रॉस मल्टीप्लाई। 70,000 के लिए अगर 1 साल तो 20,000 के लिए कितना? क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। चलाओ कैलसी, 20,000 × 1, 20,000 × 1 / 70 कितना आएगा? कितना बच्चा आएगा? 0.28 0.2857 पक्का। ईयर
70 किलो बच्चों एक साल, तो 20 किलो कितना बच्चों 20,000 इंटू एक डिवाइडेड बाय 70 कितना आ रहा है 0.2857। मतलब एक चार साल तक, प्लीज समझना बच्चों, चार साल तक 130,000 मिल चुके थे, समझ साथ है, चार साल तक 30,000, चार साल तक 130,000 मिल चुके थे, हमें और कितने चाहिए 20,000, और 20,000 के लिए और 0.2857 साल का समय लगेगा, तो कैन यू फाइंड अ पे बैक पीरियड। बेटा मुझे बताओ 130,000 कितने समय तक मिले थे, चार साल तक मिले थे, और 20,000 के लिए कितना समय लगेगा और 0.25 का समय लगेगा, कितना लगेगा बच्चों 4.2857 ईयर। मैं डायग्राम से एक बार शॉर्ट में बता रहा हूं, देखो यार फोर्थ ईयर तक 130,000 मिले थे, हम एक्चुअल में चाहिए कितने थे बच्चों 1.5 लाख, फोर्थ ईयर तक अगर 130,000 मिले थे और 20,000 पाने के लिए 130 का 1.5 लाख मतलब, और 20,000 पाने के लिए और 0.2857 का समय लगेगा, तो व्हाट विल पे बैक पीरियड बच्चों 4.2857, यही तो मेरा क्वेश्चन है, पे बैक पीरियड समझा क्या, ऊपर से गया, कोई तकलीफ कोई क्वेरी दिमाग में गया बेटा जी, स्पीड ठीक है, चलो शानदार आगे बढ़ना है बच्चों, और बेटा समझे अच्छे समझेगा, अभी ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फाइव को देखो प्लीज, क्वेश्चन फाइव को देखिए बेटा, यश बोला सर मंथ में कर सर, बेटा जी अभी पहले ईयर में करो बेटा, अगर ऑप्शन में बोला तो मंथ में करेंगे, मैं सिखाऊंगा बेटा जी, अब बेटा बस ईयर में करो, मैं मंथ वाला भी सिखा दूं, टेंशन मत लो। कितना इन्वेस्ट किया बच्चों 2 लाख, हमें निकालने का पे बैक पीरियड कितने समय में, 2 लाख क्या मिलेगा वापिस, कितने समय 2 लाख क्या मिलेगा वापिस, पहले तो सम किसका है इवन कैश फ्लो अनइवन, ओके अनइवन के समय पेबैक को निकालने के लिए कितने कॉलम बनाएंगे 3, कौन कौन से, ईयर कैश फ्लो और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, क्या बच्चों ईयर कैश फ्लो और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव के लिए शुरू कहां से करेंगे टॉप से, गिव द फर्स्ट वैल्यू टॉप टू बॉटम क्रॉस हेड, 40 प्लस 50 90, 90 प्लस 40 130 प्लस 60 190 प्लस 30 220 प्लस 70 290, हमें तलाश है उस साल की, हमें तलाश है उस साल की जब तक 2 लाख क्या मिलेंगे वापस, कितना बच्चों 2 लाख, क्या फर्स्ट ईयर तक 2 लाख मिलेगा क्या, क्या सेकंड ईयर तक 2 लाख मिलेगा क्या, थर्ड तक 2 लाख मिलेगा क्या, फोर्थ तक और फिफ्थ तक मिल गए, तो कहना है ऐसे 2 लाख बच्चों फोर्थ और फिफ्थ के बीच मिले, 4 साल तक कितने मिले 1,90,000 और 5 साल तक 2,20,000, तो 2 लाख रुपए 4 और 5 साल के बीच में मिले, बट एग्जैक्टली कब 4.2 ईयर में या 4.3 ईयर में ये निकालना पड़ेगा, उसके मैं संग तो मैं हूं बताता हूं, उसके लिए बेटा हम बनाएंगे टाइम डायग्राम, डायग्राम बनाएंगे बच्चों, बड़ा हर बेटा समय ऐसे करने का है, बोलो बच्चों फोर्थ ईयर तक कितना मिला, फोर्थ ईयर तक मिला 1,90,000, फिफ्थ ईयर तक कितना मिला 2,20,000, हमें तलाश है 2 लाख की, अब कैसे करेंगे, पर उसके आगे कॉलम बनाऊंगा, तो कितने कॉलम 2, कौन कौन से, चेंज इन ईयर और चेंज इन कैश फ्लो, बताओ जब ईयर 4 का होगा 5, जब ईयर 4 का होगा 5, जब ईयर में 1 साल का बदलाव आएगा, जब ईयर में 1 साल का बदलाव आएगा तो कैश में कितना बदलाव आएगा 30,000, कैसे, कैश पहले कितना था 1,90,000, अब कितना हो गया 2,20,000, जब ईयर 4 का होगा 5 तो कैश 1,90 का 2,20 हो जाएगा, कितने से बढ़ेगा 30,000, तो क्या नहीं से जो ईयर में 1 साल का बदलाव होगा तो कैश में बदलाव होगा 30,000, उसका उल्टा क्या नहीं से कैश में 30,000 का बदलाव आने के लिए 1 साल लगता है, लेकिन कैश एक्चुअल में 1,90 का
कहां तक बदलनी चाहिए थी? 2 लाख। कैश 1.90 की होने कितनी चाहिए थे? 2 लाख। कितना बदलाव चाहिए था? पक्का अगर 30,000 के पूरे बदलाव के लिए, 30,000 के पूरे बदलाव के लिए अगर 1 साल लगता है तो 10,000 के बदलाव के लिए कितना समय लगेगा बच्चों? अरे सबको झेप रहा है क्या? 30,000 के बच्चों बदलाव के लिए अगर 1 साल बच्चों लगता है तो कितना बच्चों 0.33। अरे झेपता है क्या? इससे कैन यू फाइंड पे बैक पीरियड? अरे 4 साल तक, 4 साल तक 1.90 मिल चुके थे और 10,000 के लिए 0.33 साल का समय लगे, कितना बचाएगा? 4.33 ईयर। यही तो मेरा कौन है? पे बैक पीरियड। खेल खत्म। समझा क्या? कोई तकलीफ? कोई क्वेरी बेटा जी? अब बताओ ये पर इजी लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? टाइम पास बेटा जी, ये हमने क्या निकाला? पे बैक पीरियड। सब बच्चे से कंफर्टेबल है? श्योरली 100%। डेंजर था, एक से हम खुद से कर पाएंगे? क्वेश्चन कितने हो गए बच्चों? 5। अब क्वेश्चन 6 में आपको दे रहा करने के लिए, करके बताओ मुझे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख है, अब ईयर और कैश फ्लो दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखो ईयर दिया बच्चों, कैश फ्लो दिया 30,000, 40,000, 40,000, 90,000, 20,000, 60,000 और 7 लाख। मुझे एक ऐसा समय जहाँ पे 2.5 लाख क्या वापस मिलेंगे? और प्रॉपर बच्चों कॉलम बनाकर, 3 कॉलम बनाओ, प्रॉपर शॉर्ट कॉलम बनवाना, आराम से करो, समझ के करो। अजी 20 रुपये का तुम्हारा? ओके इतना फास्ट? आराम से, तुझे मतलब वो कैसे खा रहा है देख बिंदास, और छोटे बच्चे का भी निवाला खा रहा है नालायक, वो छोटे बच्चे खा रहे थे। हाँ
लाइक हो गया कितनों का आ रहा पेबैक पीरियड कितना रहा बच्चों 5.5 एग्जैक्ट क्या बात है कितनों का आ रहा है 5.5 बहुत शानदार किसका चल रहा है चल रहा है ओके और किसका गलत आ रहा है सबको जम रहा बेटा जी पक्का अब बता पेबैक पीरियड इजी लगा मुश्किल लगा टाइम पास है क्या बात है शानदार और टाइम पास करने की इच्छा है क्या आप लोगों को हे करना पड़ेगा मैं बोला करना पड़ेगा ऑप्शन तुम्हारे पास चलो बेटा जी ओके जो बच्चे बेटा 5 साल 6 महीने बेटा अरे मंथ पे मत करो बेटा पहले ईयर में करो ना बेटा अभी मंथ का मत सोचो मंथ का अपन बाद में देखेंगे ओके आगे बढ़ चलेगा यस अब अगर ये बच्चों समझाओगे ना अब मैं आपको करा नोट सम करा बच्चों अब नोट्स के सम देखते यहां पे तुम फंसोगे अरे फंसोगे देखो मैंने पढ़ा इसलिए मुझे बुरा भरोसा बेटा चल आप देखते अब बच्चों देखो नोट्स में से फर्स्ट क्वेश्चन जिनके पास है नोट्स नहीं टेंशन मत लो मैं बाद में नोट शेयर कर दूंगा अभी तब तक स्क्रीन पे देखो ओके कहाँ पे गया रे हाँ मिल गया फर्स्ट क्वेश्चन अब रे ये बेटा क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन बेटा 1 आपके सामने आराम से बड़े बच्चों बस कुछ बड़े बातें बताना चाहूंगा यहां पे लास्ट में टोटल दिए लास्ट में टोटल है बच्चों दो मशीन है मशीन ए और मशीन बी हमें दोनों का निकालना पे बैक पीरियड एक बार सम को आराम से पढ़ लो पहले आराम से अच्छे से पढ़ो थोड़ा सम के फ्लो में आ जाओगे पढ़ो सम को चलो पढ़ा कुछ झेपा क्या बोला है फॉलोइंग डेटा क्या बोला देखो फॉलोइंग डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ टू मशीन ए एंड बी आर डिटेल बिलो बच्चों क्या बोला फॉलोइंग डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ टू मशीन ए एंड बी बच्चों दो मशीन ए और बी जानकारी बच्चों दो मशीन और क्या बोला है डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस अच्छी बात है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन लिखा एसएल में से निकाला बेटा जी कोई दिक्कत नहीं ओके अब क्या बोला है दोनों बच्चों मशीन का कॉस्ट दिया कॉस्ट का मतलब क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर मशीन ए का कॉस्ट अगर 56,125 तो क्या ना ही से मशीन ए में बेटा हमने कितना इन्वेस्ट किया 56,125 क्या क्या इन्वेस्ट किया कहा पे मशीन ए में पक्का बेटा फिर बच्चों मशीन ए का बच्चा आपको क्या दिया नेट इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड क्या है टैक्स ठीक है बच्चों नेट इनकम क्या फिर डिफरेंशियल एंड टैक्स ये सब दिया बच्चों पर फर्स्ट ईयर में कितना पैसा मिला है 3,375 सेकंड में कितना मिला है 5,375 थर्ड में कितना मिला है 7,375 बच्चों बाद में टोटल है कुछ काम करें बेटा जी आपको निकालना है पेबैक पीरियड का मशीन एक कर पाएंगे पेबैक पीरियड करो आपका टाइम 2 मिनट का है करो फटाफट करो रे सब पॉसिबल है तुमको नहीं रहा बाकी लोग करने दो बाकी लोग करो रे होता ना वो क्या कोल्हा द्राक्षांबट वो अंगूर निकालने तो अंगूर अंगूर खट्टे बोलते हैं ना ऐसे क्वेश्चन ही गलत है आउट ऑफ सिलेबस
ओके अनिश बोल रहा है सर नो पे बैक पीरियड, पे बैक कुछ नहीं होगा, ऐसा होगा तकलीफ के इस क्वेश्चन क्या तक दर्द क्या तुमको बोलो जिंदगी में क्या दर्द है, वैल्यू पूरा नहीं मिल रहा है। इन्वेस्ट कितना किया तुम लोगों ने, आपको निकाला पे बैक पीरियड, पे बैक का मतलब क्या, जितना पैसा इन्वेस्ट किया वापस मिलना चाहिए। बोलो बच्चों कितना इन्वेस्ट किया, 56,125। दर्द ये है कि पांचों साल मिलाकर इन्वेस्ट किया था 56,125 पर पांचों साल मिला के कितना मिल रहा है 36,875, 56,125 वापिस नहीं मिल रहे, तो पेबैक पर निकालेंगे कहां से, वही तो इससे बोलता हूं फंस जाओगे नालायक को, ठीक है ना। अब सुनना पेबैक का मतलब मीनिंग पेबैक पीरियड कितने समय में हाँ पैसा वापस, क्या मिलेगा पैसा वापस, क्या पैसा कितने समय में कैश वापस मिलेगा। अब याद करो अब तक के पेबैक के समय इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया था या फिर इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया है 51,225 दिया क्या बेटा, अब तक के समय ईयर दिए थे या फिर ईयर दिए क्या, अब तक के समय दिया क्या था कैश फ्लो या फिर कैश फ्लो दिया है ना, आपको क्या लगा था तुम यहां पे फंस गए, तुम्हें क्या लगा था ये क्या होगा कैश फ्लो, बट नालायक को ये एक्चुअल में क्या बताया क्या ये कौन है, नेट इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स, ये तुम्हारा कौन है इनकम मतलब कौन है प्रॉफिट है, इनकम मतलब कौन है प्रॉफिट है, ये आपको दिया क्या प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, पेबैक के लिए चाहिए क्या कैश फ्लो, आपको दिया क्या प्रॉफिट, पेबैक के लिए चाहिए क्या कैश फ्लो, अब क्या दिया है प्रॉफिट, मतलब पहले हम समझ के लेते हैं ये प्रॉफिट और कैश फ्लो में क्या अंतर है, और फिर अगर आपको कैश फ्लो से अगर प्रॉफिट निकालना है कैसे कर पाएंगे उसके लिए कैलिसी बन के चले बेटा जी, उसे तकलीफ मत दो बेटा उसको, ठीक है ना ओके। और बेटा वही बेटा फिर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट से कैश फ्लो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब बात समझना, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा ओके बच्चों, मान लो एक बिजनेस है, मुझे जो इस बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है, बता बच्चों हाउ टू फाइंड प्रॉफिट, हाउ टू फाइंड प्रॉफिट, इनकम में से लेस करो एक्सपेंस, शानदार विशाल ने बता दिया, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बच्चों इनकम से लेस करो एक्सपेंस, विशाल उसको विमल पान मसाले का प्रॉफिट निकाले, किसी जोश में हो जाता है तो खड़ा हो जाता है एकदम एकदम, क्या तेरे को क्या विमल सुनते क्या होता है तेरे को नालायक, देख बॉडी कम होती जा रही है ठीक है ना, वो इसका ऐड आता ना वो मूवी के पहले था मुकेश का क्या वो क्या नहीं मैं मुकेश ऐसे आ जाएगा मैं विशाल, अभी सुनीत आती है क्या ठीक है, अभी और विशाल आ जाएगा ठीक है ना, मैं विशाल विमल पान मसाला खाता था ओके नालायक कम खा थोड़ा सा ठीक है ना ओके चलो बेटा सुनो अब देखो बैक टॉपिक है, फोकस करो ठीक है ना। हाँ अब बेटा विशाल अच्छा आदमी है, वो कुछ खाता नहीं सबको खिलाता है बस ठीक है ना, मतलब बेचता है विमल पान मसाला, अब विशाल बड़ा विमल पान मसाला बेचता है, विशाल को अपने विमल पान मसाले के ब्रांड का प्रॉफिट निकालने का, प्रॉफिट के लिए क्या करेगा इनकम से लेस करेगा एक्सपेंस। अब विशाल को पता है बच्चों, विशाल को पता है उसने इस साल 1,00,000 रुपए का सेल, कितना सेल किया बच्चों 1,00,000 का सेल किया था ठीक है, ये इनकम है। अब बच्चों इनकम से क्या लेस करेंगे एक्सपेंस, अब विमल पान मसाला बनाने के लिए कुछ मटर लगता है उसको, क्या लगता है मटर सुपारी, इसको बहुत पता है ठीक है ना, हाँ ठीक है बेटा ठीक है, अरे कैसे रे कुछ भी चीज नॉलेज रखते हो, कभी ये पता दाल कैसे बनती है वो नहीं बताना है दाल कैसे बनते हैं, हाँ चलो बेटा ठीक है बेटा। तो बच्चे देखो सबसे खासा बचा रहा है मटर, कितना बचा आएगा मान लो 40 का खासा मटर का रहा है, फिर यार उसके लिए लेबर को देनी पड़ेगी सैलरी, बच्चे लेबर को सैलरी बच्चों दे रहा है 20,000। अब नेक्स्ट देखना बच्चों, विशाल विशाल जिस मशीन पे वो पान मसाला बनाता है, जिस मशीन पे पान मसाला बनाता है उसका डेप्रिसिएशन है 15,000, कितना बच्चों 15,000। बच्चों इनकम से क्या लिस्ट करोगे एक्सपेंस, इनकम मतलब कौन है सेल, तीन बच्चों खर्चे, तीन बच्चों कौन है बेटा जी खर्चे, कौन का बच्चों मटेरियल
सैलरी बच्चों को ने डेप्रिसिएशन, बच्चों इनकम से बच्चों क्या इसका बच्चों एक्सपेंस पक्का, तो क्या मिलेगा प्रॉफिट। ओके कितना बच्चों 25,000। ये देखो संतोष कुमार, संतोष बोल रहा है मैं हूं विशाल, मैं 15 साल से विमल खाया। विमल खाने से हाइट बढ़ती पहले मुझे पता नहीं था बेटा, बचपन से खाते हम भी खाते हैं, बचपन से खाते थे। ठीक है चलो चलो ओके चल बेटा फोकस 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 नाला के सुनो बच्चों, हमें प्रॉफिट निकाल दो बच्चों, अभी फोकस मुद्दे पे ध्यान दो। प्रॉफिट बच्चों क्या क्या, इनकम से बच्चों क्या लिस्ट करेंगे एक्सपेंस, सेल हमारा इनकम था, मटेरियल सैलरी डेबिट खर्च होते बच्चों, इनकम जो लिस्ट एक्सपेंस कितना मिला, प्रॉफिट कितना मिला 25,000। विशाल मुझे बता मेरे भाई तुझे इस साल कितना प्रॉफिट मिला, 25,000 बराबर है, प्लीज सब लोग ध्यान देंगे, विशाल को इस साल कितना प्रॉफिट मिला 25,000, विशाल को इस साल कितना कैश मिला, क्या विशाल को इस साल 25,000 का प्रॉफिट मिला, तो क्या ना ऐसे विशाल को 25,000 कैश भी मिला होगा, चेक करते कितना कैश मिला होगा। सुनो विशाल ने सेल किया, सेल करने से पैसा जाएगा आएगा, ये बेटा मैंने प्रॉफिट के लिए किया था, ये बेटा मैंने कैश के लिए, अब देखो कैश बता बच्चों, विशाल को सेल से पैसा आएगा कितना आएगा 1,00,000, क्या मटेरियल के लिए पैसा देना पड़ेगा कितना 40,000, क्या सैलरी के लिए पैसा देना पड़ेगा कितना आया ना कितना 20,000, क्या डेप्रिसिएशन पैसा देना पड़ेगा, अरे हाँ क्यों नहीं, डेप्रिसिएशन क्या है नॉन कैश, मैं जब बोलता हूं इस बेंच का डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए, क्या 20,000 मेरे जेब से जा रहा है क्या, मेरे पास आ रहा है क्या, मटेरियल के लिए पैसा देना पड़ता है, सैलरी के लिए पैसा देना पड़ेगा, बट डेप्रिसिएशन पैसा ना जाएगा ना आएगा, ये बच्चे कौन है बेटा जी नॉन कैश, ये बच्चे कौन है नॉन कैश, जीपता का बेटा इसे ना पैसा आएगा ना जाएगा, बताओ पैसा आया कितना था 1,00,000, गया कितना 40,000 और 20,000, पैसा आया कितना था 1,00,000, गया कितना 40,000 और 20,000, कितना बचा है 40 बचा ना बच्चों, आया था बच्चों 1,00,000, 40 गया 20 गया, कितना बचा है 40,000, बोलो हा या ना। अब मेरा सवाल है विशाल को इस साल प्रॉफिट कितना हुआ 25,000, कितना कैश मिला 40,000, तो क्या प्रॉफिट और कैश दोनों सेम है क्या, कोई बता सकता है प्रॉफिट और कैश में डिफरेंस क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, बात समझना, डेप्रिसिएशन खर्चा है, प्रॉफिट निकालते वक्त डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा लेस करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट निकालते वक्त डेप्रिसिएशन लेस करने से प्रॉफिट क्या चुका है कम, बट डेप्रिसिएशन के लिए पैसा नहीं जा रहा है तो कैश के टाइम पे उसको लेस नहीं करेंगे, तो बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा कैश नहीं जा रहा है तो कैश क्या होगा ज्यादा, अरे झेप रहा है क्या, कैश फ्लो निकालते हो हमने डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं किया इसके लिए कैश क्या मिला है ज्यादा, पर प्रॉफिट निकालते हो डेप्रिसिएशन को एज एक्सपेंस लेस करना पड़ेगा, उसे प्रॉफिट क्या चुका है कम, समझा क्या, अगर कोई पूछेगा भाई प्रॉफिट और कैश फ्लो में क्या अंतर है तब क्या बोलोगे, प्रॉफिट और कैश फ्लो में सिर्फ क्या फर्क है डेप्रिसिएशन का, कौन बड़ा है कैश या प्रॉफिट, कैश बड़ा है प्रॉफिट बड़ा, डेप्रिसिएशन में पैसा नहीं जा रहा है तो कैश क्या मिलेगा ज्यादा, डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट क्या होता है कम, कैश ज्यादा प्रॉफिट, कैश और प्रॉफिट में क्या फर्क है डेप्रिसिएशन, तो क्या ना इसे प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऐड करो तो क्या मिलेगा कैश फ्लो, तो कैश फ्लो से डेप्रिसिएशन लेस करो क्या मिलेगा प्रॉफिट, इसे बच्चों इक्वेशन क्या मिला हमको कि सर प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऐड करो तो क्या मिलता है कैश फ्लो, उसका उल्टा कैश फ्लो से डेप्रिसिएशन लेस करो क्या मिलेगा प्रॉफिट, अरे समझ में आ रहा है क्या, बोलो हा या ना, नालायक को बताओ प्रॉफिट और कैश फ्लो में क्या अंतर है, क्या इक्वेशन है, प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऐड करो क्या मिलेगा कैश फ्लो, कैश फ्लो से डेप्रिसिएशन लेस करो क्या मिलेगा प्रॉफिट, समझ में आ रहा है क्या, ऊपर से गया दिमाग में गया, पर ये समझा होगा नो बैक टू क्वेश्चन।
टुडेस क्वेश्चन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया, आपको क्या दिया है? नेट इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स। इनकम मतलब प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कैसा है? आफ्टर डेप्रिसिएशन, मतलब क्या प्रॉफिट निकालते वक्त डेप्रिसिएशन लेस किया है क्या? क्या प्रॉफिट निकालते वक्त डेप्रिसिएशन लेस किया क्या? हाँ, ये प्रॉफिट को आफ्टर डेप्रिसिएशन। लेकिन भाई पेबैक के समय हमें चाहिए क्या? प्रॉफिट है कैश फ्लो। पेबैक बोलता है मुझको मांगता है कैश फ्लो, मुझको मांगता है कैश फ्लो। आपको दिया है क्या? प्रॉफिट। तो क्या प्रॉफिट से कैश फ्लो निकाल पाओगे? तो पहले वो कौन करेगा? समझा बेटा जी, आपको दिया क्या है? प्रॉफिट। पहले निकालना क्या पड़ेगा? कैश फ्लो। कैसे? प्रॉफिट में ऐड करो डेप्रिसिएशन, फिर क्या मिलेगा? कैश फ्लो। अरे समझ में आ रहा है क्या? बहुत टफ है, डेंजर है, बस कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। दिया क्या बेटा जी? प्रॉफिट। ढूंढना क्या पड़ेगा? कैश फ्लो। अब कैसे? प्रॉफिट पता है, उसमें क्या ऐड करेंगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अब जिन बच्चों को मेथड नहीं पता है, मैं बताना चाहूँ बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेप्रिसिएशन? इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। लॉजिकली करते हैं। बोलो बच्चों, मशीन ए में कितना इन्वेस्ट किया था? 56,125। लॉजिकली करो, देखिए हाउ टू डेप्रिसिएशन। इन्वेस्ट कितना किया था? 56,125। लाइफ कितना था? 5 साल। 5 साल खत्म होने के बाद में, 5 साल खत्म होने के बाद में मशीन कबाड़ा हो जाएगी, मशीन स्क्रैप हो जाएगी। मशीन को स्क्रैप में बेच के कितना मिल रहा है? कुछ मिल रहा नहीं। कहाँ पे दिया? कहाँ पे दिया? ए नाले कहाँ पे दिया? वो पॉइंट नंबर सी को मत देख, अभी पॉइंट ए पे चल रहा है बेटा, हम लोग पॉइंट ए पे चल रहा है। ओके बेटा, पहले मुझे बताओ मशीन में इन्वेस्ट कितना है? 56,125। लाइफ कितना था? 5 साल। 5 साल खत्म होने के बाद में कितना मिलेगा? कुछ नहीं, जीरो मिलेगा। मतलब स्टार्टिंग में कीमत था कितना? 56,125। बाद में कितना मिला? जीरो। स्टार्टिंग में था कितना? 56,100। बाद में कितना मिला? जीरो। कीमत कितने से कम हो गया? 56,125। अरे मशीन लिया कितने था? 56,125। अब कीमत कितना है? जीरो। कीमत कितने से कम हो गया? 56,125। कितने साल में? 5 साल में। अगर 5 साल में इतने से कीमत कम हो गया, 1 साल में कितने से? 11,200, तो 225। तो 1 साल में जितने से कीमत कम हो गया, क्या ना इसे उतना डेप्रिसिएशन लग गया। 1 साल में जितने बच्चे कीमत बेटा क्या हो गया? कम हो गया, उतना क्या लगा? डेप्रिसिएशन। तो नालायक को बताओ डेप्रिसिएशन कैसे निकाला? ये 56,100 कौन था? कॉस्ट था। जीरो कौन था? स्क्रैप वैल्यू, सैलरी वैल्यू बेटा जी। और 5 कौन था? लाइफ। बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेप्रिसिएशन? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। उससे क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन। क्यों निकाला? आपको निकालना क्या था? कैश फ्लो। अब ध्यान दो बच्चों, अब तक के सब में कैश फ्लो दिया था, अब ढूंढना पड़ेगा। जब क्वेश्चन देख के बताओ मुझे, मशीन एक का निकाला पे बैक पीरियड, ईयर क्या कह दिया? 1, 2, 3, 4, 5 दिया क्या? सब में कितना अमाउंट दिया बताओ? हर साल कितना? फर्स्ट ईयर में कितना है? 375। सेकेंड ईयर में कितना है? 5,375। थर्ड ईयर में पक्का? फिर 9,375। फिर ये बच्चों हर साल का क्या दिए? प्रॉफिट दिया बच्चों। मुझे निकालना है क्या है? कैश फ्लो। हाउ टू फाइंड कैश फ्लो? प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। बच्चों डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड डेप्रिसिएशन? कॉस्ट माइनस, कॉस्ट कितना? 56,100। कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ कितना आएगा? ये मिला डेप्रिसिएशन। अरे झेपता है का। अब बोलो बच्चों क्या करेंगे? कॉस्ट में ऐड करो डेप्रिसिएशन, कॉस्ट में ऐड करो डेप्रिसिएशन, तो क्या मिलेगा बेटा? कैश फ्लो। कोई तकलीफ? हर साल का हर साल का प्रॉफिट पता है क्या? सॉरी, प्रॉफिट में ऐड करो डेप्रिसिएशन का प्रॉफिट पता है? डेप्रिसिएशन पता है बच्चों, कैसे फाइंड कैश फ्लो? फर्स्ट तो अकेला करो, प्रॉफिट में ऐड करो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 14,600। फिर यहां पर समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट 18,600, फिर 20,600, 22,600 करके देखिए। चले बेटा जी, ये क्या निकाला? एक बार मिल गया कैश फ्लो, नाउ कैन यू फाइंड पे बैक पीरियड? अब करना आता है क्या? समझा करे
हमने प्रॉफिट में क्या ऐड किया, डेप्रिसिएशन, क्या मिला, कैश फ्लो, नाउ कैन यू फाइंड पे बैक पीरियड। बच्चों पे बैक के लिए भी कॉलम क्या बनाएंगे, ईयर, कैश फ्लो और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव पता ना बच्चों, की द फर्स्ट वैल्यू कीप ऑन एडिंग, 14600 प्लस ये कितना है बताओ, 31200 आएगा, प्लस 18600 कितना आएगा, 800, प्लस 20600 400, फिर हमें निकालना क्या, पे बैक पीरियड, कितने समय में पैसा वापस आया, कितना इन्वेस्ट किया था, 56120। हमें तलाश है उस साल की जब 56120 वापस मिलेंगे। बता बच्चों थर्ड ईयर तक कितना मिला है, 14800, फोर्थ ईयर कितना मिला है, 70400। तो कहना है 56125 थर्ड और फोर्थ के बीच मिले, अरे समझ में आ रहा है क्या, थर्ड ईयर तक कितना मिला, 49800, पर फोर्थ तक कितना मिला, 77400। तो 56/125 ये दोनों के बीच में मिले क्या, बोलो हाँ या ना। डायग्राम बच्चों ड्रॉ करूँ क्या, बोलो थर्ड ईयर तक कितना मिला है, 49800, फोर्थ ईयर तक कितना मिला है, 77400। मुझे निकालना है क्या, 56125 करें फिर पे बैक पीरियड करना आएगा, पर कैसे करें बच्चों, चेंज इन कैश फ्लो, चेंज इन ईयर, कैसे कर बच्चों देखो, जब कैश कितना होगा बच्चों, 3 का बच्चों क्या होगा, 4। जब कैश में आएगा एक साल का बदलाव, सॉरी जब ईयर में आएगा एक साल का बदलाव, तो कैश बेटा 49800 का कितना होगा, 70000, चल कितना आएगा पक्का, जब ईयर में आएगा एक साल का बदलाव तो कैश में आएगा 26600 का बदलाव, समझ में आ रहा है क्या। अब बता बच्चों कैश एक्चुअल में 49800 का कितना होना चाहिए था, 56100, कितना बदलाव, 6325। तो क्या ना इसे 20600 के बदलाव के लिए अगर एक साल लगता है तो 6325 के बदलाव के लिए कितना साल, 0.3 पक्का शोले, उसे कहने में पेबैक पीरियड, 3 साल पूरे हो चुके थे, बड़ा और कितना ऐड किया, 0.3070, कितना आएगा, 3.3070। ये मैंने क्या निकाला बेटा, पे बैक पीरियड ऑफ मशीन ए का, मशीन बी के लिए कर पाएंगे, बोल हाँ या ना। बच्चों मशीन बी का भी क्या दिया, बच्चों मशीन बी का क्या दिया, प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट में क्या ऐड करोगे, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट में ऐड करो डेप्रिसिएशन, क्या मिलेगा, कैश फ्लो, वंस यू गॉट कैश फ्लो कर पे बैक पीरियड, मैं बताओ आप लोग करेंगे, करेंगे बेटा जी, ये आपका होमवर्क है, पक्का करेंगे मशीन बी के लिए, अभी समझा क्या, अभी तक अब क्या सबको पे बैक पीरियड पक्का समझा क्या, हाँ या ना कर, ये बच्चों अगर समझा गया बच्चों, कलम बेटा 2 मेथड पढ़ेंगे, कलम पढ़ेंगे ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, और कलम पढ़ेंगे बच्चों NPV मेथड। बच्चों कल बेटा हम लोग पढ़ेंगे 2 मेथड, और फिर उसके बच्चों कल बेटा जब हम लोग कल और बेटा परसों मिला के उसके हम लोग कम से कम 5 डिस्क्रिप्शन सॉल्व करेंगे उसके ऊपर, चलेगा, सब रेडी है क्या बच्चों, पक्का, चलो पहले इसका फोटो निकाल, जितना पड़ा इसका फोटो निकाल बच्चों, 5 चैप्टर पक्का समझा बच्चों, अच्छा था ना, मजा है चैप्टर में, मस्त चैप्टर है, टाइम पास नहीं रहे बेटा करने से, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, चलो यहां से फोटो निकालो, नहीं नहीं एक मिनट, सॉरी ये मत निकालो, सॉरी गलती से आ गया ये, रुको रुको रुको, यहां से निकालो फोटो, यहां से निकालो फोटो, डन डन, यहां से फोटो का डन, डन डन, क्वेश्चन 6 तो आपने ही किया था, उसको जरूरत नहीं, क्वेश्चन 6 आपने ही किया था बेटा जी। अब इसके बाद जो क्वेश्चन 1 जो था, ये जो मशीन ए का जो पार्ट था इसका फोटो निकालो, डन, ये नीचे का मशीन, मशीन बी का कर लेंगे बेटा, चलेगा,
पक्का। बड़ा मशीन बी का बड़ा आंसर आता है 2.6 इंजीनियर बेटा जी, ठीक है वो चेक कर लो, जो भी है बाद में कल चीज चेक करनी पड़ेगा आपको। चलो भागो नालायक, वेलकम, टेक केयर।